हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसका जो नया कट ऑफ जारी हुआ है, जी हाँ दोस्तों, ये कट ऑफ जारी हुआ है दोस्तों आप ही के द्वारा, क्योंकि आप सभी ने अपना अपना आंसर के जारी जो हुआ है उसमें देखा होगा आपने कितने आपके नंबर मिल रहे हैं। आपको पता है कितने नंबर आपके रॉन्ग हुए हैं, कितने आपके राइट हो रहे हैं और कितने आपके जो है निगेटिव मार्किंग में कट चुके हैं। अब इसके बाद जो आपको एक्यूरेटली जो आपका जो है एक्चुअल मार्क्स मिल रहा है, जितना भी 100 में से आपको मिला है, उसके बेस के आधार पर हमने इस वीडियो को बनाया है। क्योंकि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने SSC MTS में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने अपना जो है डेटा हमें सेंड किया कि सर मुझे इतने मार्क्स मिल रहे हैं, ये हमारा PDF फाइल है, देख लीजिए आप खुद भी कि हमने कितना सही किया था, कितना गलत किया था और कितने मार्क्स हमें नॉर्मलाइजेशन में मिलने चाहिए। आप सभी को पता है काफ़ी लंबा चला ये पेपर, और लंबा चला पेपर इसका मतलब कि किसी को इजी पेपर मिला होगा, किसी को हार्ड पेपर मिलता है और किसी को बहुत ज़्यादा हार्ड मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स सबके लेवल एक होते हैं, यानी सभी के साथ जो है नाइंसाफी ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन करने से ये होता है कि जिन सेक्शन में यानी जिस डेट्स पर आपको हार्ड पेपर आए हुए थे, वहाँ पर जो है एक एल्गोरिथम है, इनका एल्गोरिथम निकालने के बाद पता करते हैं कि एवरेज कितना जा रहा है और बाकी का जो अलग बैच है उसका एवरेज कितना जा रहा है। तो जिस बैच का एवरेज कम जाता है वहां पर जो है आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, और ये मार्क्स की संख्या कितनी होगी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ही एक नोटिस से, क्योंकि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने MTS को लेकर अपना जारी नोटिस किया था उसी से हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और आपको बताएंगे कितना क्या क्या मार्क्स कितने कितने मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को। तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर मैंने ओपन कर रखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट अपडेट। जी हां दोस्तों, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज कंडक्टेड द मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन पेपर 1, जी हाँ, जो 2 अगस्त 2019 से लेकर 22 अगस्त 2019 फॉर 13 डेज यानी 13 दिन तक आपका जो एग्ज़ाम चला उसके बारे में ये अपडेट है। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको बता देते हैं, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 38,58,000 लोगों ने जो है इसे रजिस्टर किया था। आप समझ सकते हैं 38 लाख बहुत बड़ी जो है संख्या है, लेकिन दोस्तों आपने अभी तक सिर्फ एक पार्ट देखा इसका कि 38 लाखों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन इसमें जो है अपीयर हुए यानी जो एग्ज़ाम देने के लिए आए थे वो सिर्फ और सिर्फ 19 लाख लोग थे। अगर आप देखा जाए एक कैजुअली में देखा जाए तो आप 50% स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है एग्ज़ाम देने आते ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ नया फॉर्म आता है तो लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं उस फॉर्म को भरने के लिए, और फॉर्म भरने के बाद जब उनका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ जाता है तब तक उनकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती। काफ़ी लोग जो है जॉब वगैरह करते हैं, कुछ लोग कॉलेज करते हैं, कुछ जो कुछ भी जिनका बिजी शेड्यूल होता है वो नहीं छोड़ना चाहते, वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी सेट हुए रहते हैं या फिर उनको लगता है कि हम अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करेंगे। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आधे लोग तो सिर्फ रजिस्टर्स करके छोड़ देते हैं। यहाँ से ही आपको मालूम पड़ सकता है कि कितने लोग जो है यहां से बाहर हो चुके, जितने टैलेंटेड भी हो सकते हैं इसमें और काफी जो है अनटैलेंटेड भी होंगे, जो भी होंगे व्हाट एवर, बट यहां पे से आपको 50% जो है आपका कंपटीशन तो यहीं पे खत्म हो गया। तो आपको डरने का तो आधी टेंशन यहीं पे खत्म हो कि 38 लाख लोगों को आपको फाइट नहीं करना है, आपको सिर्फ फाइट करना है 19 लाख में से। अब देख लीजिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया हुआ, ओवरऑल परसेंटेज देख लीजिए 49.73, आप ओवरऑल जैसे 50% मान लीजिए, आराम से आपको आधे आधे स्टूडेंट यहाँ से बाहर हो गए हैं। अब देखिए नंबर ऑफ शिफ्ट यानी कितने शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ वो है यहाँ पे 39। जी हाँ दोस्तों, 39 शिफ्ट मतलब काफ़ी जो है लंबा चला आपका पेपर, और 39 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो आपको 39 पेपर आपके बने होंगे, और 39 पेपर बने होंगे तो यानी 3900 यानी हर पेपर आपको पता है 100 मार्क्स का है। तब इतने सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या हमेशा ये होता है कि आपको जो स्टार्टिंग्स के पेपर होते हैं उनमें पेपर जो है आसान मिलने लगते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग क्वेश्चंस होते हैं जब पेपर पहला बनता है तो उसमें जो है नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर 2 के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें जैसे अगर आपको पहले पेपर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा गया तो सेकंड में आपको पूछा जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थर्ड में पूछा जाएगा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी प्रकार जो है आपका डीप में जाते जाते जो आखिरी शिफ्ट के आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनका पेपर जो है बहुत ही मॉडरेट से ऊपर बढ़ जाता है, जिसे हम हार्ड लेवल कह सकते हैं। जी हाँ, हार्ड लेवल में पहुँच जाते हैं। तो जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 अगस्त से पेपर दें उनके लिए तो थोड़ा ईजी है, बट ओवरऑल जो 13 डेज का ये प्रक्रिया चलती है यानी 13 दिन का जो एक कामकाज चलता है SSC MTS का जो पेपर होता है वो 13 दिन पे जो लास्ट के 5-6 दिन होते हैं उस दिन पेपर बहुत टफ हो जाता है, तो वहाँ पर जो है कटअप जो है गिरने लगती है। और आप लोगों को पता है कि इस बार MTS का पेपर बहुत ही टफ आया था। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट ने इस बारे में बताया था कि सर पेपर बहुत टफ आया, चाहे वो 2 अगस्त का हो चाहे वो आखिरी 22 अगस्त का हो, यानी कि ओवरऑल आपको जो है टोटल पेपर जो है टफ आ रहा था, इसलिए कटअप के ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है दोस्तों। काफ़ी मैंने यूट्यूबर्स पर देखा कि काफ़ी बच्चे लोगों को डरा रहे हैं
हैं कि इतनी कटअप जाने वाली, इतना कटअप जाने वाला, बट ऐसा कुछ नहीं होने होगा। आपने ऑलरेडी अपना जो है आंसर की चेक कर लिया होगा, आपको भी अंदाज़ा लग चुका होगा कि हाँ कटअप इतनी जाने वाली नहीं है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम लिख कर आते हैं, वही चीज़ हम जब हमारे सामने आंसर की आता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि जी नहीं, हमने जितना सोचा था उससे काफ़ी नंबर्स हमारे कम आ रहे हैं, क्योंकि पेपर जो है वाकई बहुत टफ आया था। तो ये हो गया नंबर चार की चीज़। अब नंबर पाँच पर देखिए क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन वेन्यूज़, यानी 337 सेंटर आपको दिए गए थे, 337। अब इतनी बड़ी सेंटर्स में आपका एग्ज़ाम हुआ है तो काफ़ी समय तो लगेगा ही दोस्तों इसका रिजल्ट आने में, बट ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आंसर के आ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा से जल्द इसका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अब नंबर छः भी बात करें तो नंबर ऑफ़ सिटीज़ इन विच एग्जामिनेशन कंडक्टेड, 146 शहर, यानी कि भारत में 146 शहरों में जो है आपको इसका पेपर हुआ था MTS का। और नंबर सात पे आ जाए तो देखिए, नंबर ऑफ़ स्टेट यूटीज़ इन विच एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड 34th, यानी कि भारत के जो है केंद्र शासित प्रदेश या राज्य मिलाकर जो है टोटल 34 जगह पे आपका जो है इसका पेपर हुआ था। 146 सेंटर थे, नंबर ऑफ़ जो सॉरी 146 आपके शहर थे, और नंबर ऑफ़ जो वेन्यूज थे आप मतलब सेंटर्स, वो 337 थे और 39 शिफ्ट हुई थी। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने अब ये पूरा डेटा तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किस प्रकार जो है आपको कितने लोगों ने भाग लिया। अब 19 लाख लोगों के बीच में आपको फाइट करना है। अब हर दिन पेपर थोड़ा मॉडरेट हो रहा था, मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, कभी ईजी आ जा रहा था, कभी हार्ड आ जा रहा था। तो उसके आधार पर हमने जो है एनालिसिस किया और जो आंसर की आई, उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंजेस ये हुआ कि जो लोग कहते थे आंसर के आने से पहले सर मेरा 70-80 के बीच में आराम से आ जाएगा, सर मेरा 65 से लेके आराम से 70 के नीचे रहेगा या फिर 70 के आसपास में रहेगा, वो सारे स्टूडेंट जो है धीरे 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 अपने कमेंट्स में वापस ला रहे हैं कि सर नहीं, आंसर के आने के बाद हमने को हमारे 10 नंबर ज़्यादा कट गए, हमारे 5 नंबर यहाँ कट गए, तो सर हमारे मार्क्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपको 5 से लेकर 10 नंबर तक जो है दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बैच वाइज होगा, बैच वाइज यानी कि आपका जो शिफ्ट है, जो डेट्स हैं, कौन से डेट पे जो है मॉडरेट हुआ, ये एल्गोरिथम ही डिपेंड करता है दोस्तों। ये कोई आपको नहीं बता सकता कि किस डेट पर जो है आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, बट ये है कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पिछला अनुमान होता है। और आपको ये भी पता है कि जब स्टार्टिंग से पेपर हुए थे तो थोड़े नॉर्मल थे, लेकिन जो बाद के जो बैक डेट्स के थे वो पेपर टफ थे। तो पूरी उम्मीद है कि जो बैक डेट्स के जितने भी जो है 5-6 दिन पहले, यानी उन सभी का जो है मार्क्स ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। अगर अगर 2 अगस्त को अगर आपका 5 से 7 नंबर बढ़ रहा है तो यही आपका जो है 20 तारीख के बाद लगभग 10, 8, 9 इस प्रकार जो है आपको नंबर मिलने वाले हैं बढ़कर, यानी नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। लेकिन ये फायदा दोस्तों सभी को होगा, ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट्स के लिए ये है, तो यानी कि सभी के मार्क्स बढ़ेंगे। यानी ओवरऑल आप सोच सकते हैं कि आपको ज़्यादा बेनिफिट तब होता है जब आपका पेपर जो है आपके लिए आसान हो और बाकियों के लिए कठिन हो, वहाँ पर आपको क्या होता है बेनिफिट होता है नॉर्मलाइजेशन का, कि हाँ मेरे हिसाब से लेवल के हिसाब से पेपर आसान था, लेकिन बाकियों के हिसाब से यानी एल्गोरिथम के हिसाब से यहाँ पर पेपर टफ हो गया और जिसकी वजह से मुझे 10 नंबर का जो है इजाफा हो गया। तो यहां से आपको जो है बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो अब हम बात करते हैं अनरिजर्व से लेके, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों से लेके हम बात करें तो काफी लोगों ने कहा 78-80 के आसपास जाएगा, जी कि नहीं दोस्तों, आपका जो है कटअप जो है 70 से लेके 75 के बीच जाने वाला है इसका, और इसके ऊपर जाने वाला नहीं है दोस्तों। तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, अगर 70 के आसपास में भी आप हैं तो आप लगभग सेकेंड स्टेज की तैयारी में लग जाइए अभी से ही, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 70 से 75 के ऊपर से इसका कटअप जाएगा ही नहीं, क्योंकि पेपर काफ़ी जो है टफ आया था और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको इतने मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं तो हम दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट OBC। जी हाँ दोस्तों, OBC के लिए भी काफ़ी लोग डरा रहे थे कि कटअप ज़्यादा जाने वाले, लेकिन इसके भी कटअप आपको जो है 72 से लेकर 74 के आसपास में ही रहेगी दोस्तों। इससे ऊपर कटअप इसके नहीं जाने वाले। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं और आपका नंबर 72, 73, 74 के आसपास में भी है तो आप जो है अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। दोस्तों OBC का कटअप मैंने हमने इसलिए ज़्यादा बताया क्योंकि अभी तक जो हमें डेटा मिला है उसमें जो OBC स्टूडेंट्स के जो कटअप हैं वो काफ़ी ऊपर जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। लेकिन अभी ओवरऑल कटअप आएगी तो OBC कटअप ऑब्वियसली आपको पता है, अगर जनरल की 70 से 75 के बीच में है तो OBC कटअप आपको अप्रॉक्सीमेटली 68 से लेकर 74 या 73 के आसपास में ही जाएगी। बट आप इतना अनुमान लगा लीजिए कि ज़्यादा अगर आपका नंबर होता है तो भी आपके लिए बेनिफिट ही है दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं कि सर जनरल से मेरा OBC का कटअप ज़्यादा क्यों जाएगा, ऐसा आप क्वेश्चन करते हैं काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा है। तो यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप 68 से लेके अपना नंबर काउंट कर सकते हैं आसानी से,
तो 74 के आसपास में ही रहेगी। अब बात करें हम एससी की, जी हाँ दोस्तों एससी वालों के लिए जो है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली। जी हाँ दोस्तों 65 से लेके अगर 68 के बीच में आप आते हैं, यानी कि 65 नंबर आपने अगर प्राप्त कर लिया है अपने पेपर वन में, तो आप अभी से ही दोस्तों पेपर टू की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका जो है 101% जो है सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट राउंड के क्लियर करने के लिए 65 मार्क्स इनफ है दोस्तों, काफ़ी जो है सुफिशियंट है। तो आपको जो है 65 नंबर वालों को सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अगर आपको इतने मार्क्स मिल रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। अब बात करते हैं हम हमारी एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी आपको सभी को पता है कि काफ़ी कम जाती है, बट यहाँ पर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास तो दोस्तों 60 प्लस में ये कट ऑफ जाने ही वाली है। यानी कि अगर आप 60 के आसपास में राउंड फिगर में भी आप आते हैं एसटी में, अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है सेकेंड राउंड के लिए। तो दोस्तों ये है कट ऑफ जो है आंसर के आने के बाद, जो अभी तक हमें डेटा मिला है उसके आधार पर, बट हमें धीरे धीरे जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिलने वाला है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो है कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं। और जैसे हमारे पास जब 1000 से 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज मिल जाते हैं, तो उसके बाद हम जो है अपनी नई कट ऑफ जारी करने वाले हैं। बट दोस्तों फिलहाल के लिए ये कट ऑफ आपके लिए बहुत ही सटीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और काफ़ी अच्छी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और साथ ही दोस्तों अपने वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच दोस्तों।